हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमबीपीएससी के एक नए रिजल्ट के बारे में। ये फाइनल रिजल्ट है गायना कॉलेज का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, उनको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेन चीज डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट में जो वैकेंसी जो आई थी वो है 153 वैकेंसीज। इन 153 वैकेंसीज को बाद में रिवाइज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि 87% का रिजल्ट जारी किया गया है, 13% को यहां पर प्राविधिक मतलब प्रोविजनल में डाल दिया गया है, मतलब इनका नाम बेसिकली होल्ड में डाल दिया गया है। हाई कोर्ट की जब फाइनल वर्डिक्ट आएगी ओबीसी रिजर्वेशन के मामले की, तो उसके बाद इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। नाउ तो यहां पर देखें तो जो पदों की संख्या रिवाइज करके इन्होंने किया 41, शेड्यूल कास्ट की 25, शेड्यूल ट्राइब की 21, अन्य पिछड़ा वर्ग की 21, एडब्ल्यूएस की 15, तो कुल मिलाकर यहां पे 133 वैकेंसीज के हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया। अब यहां पे जब आप लास्ट में देखेंगे तो कुछ वैकेंसीज यहां पे खाली रहेगी। इसका रीजन एमबीपीएससी ने प्रॉपर तरीके से दिया भी है कि बेसिकली शेड्यूल ट्राइब में और एडब्ल्यूएस में कैंडिडेट्स नहीं मिल पाने की वजह से इसमें 29 सीटें यहां पर, और जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी 9 सीटें, तो कुल मिलाकर 38 सीटें यहां पर खाली रहेगी। तो यह भी पीएससी ने थोड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है। अब यहां पर देखते हैं कुछ डाउटफुल चीजें हैं जिसको हम एमपीएससी से पूछ रहे हैं। आई होप सो कि एमपीएससी विल रेस्पॉन्ड इट प्रॉपरली थ्रू अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एमपीएससी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से। नाउ लेट्स सी दिस वन। पहली चीज तो यहां पर यह है कि जो टॉपर है यहां पर नाम है डॉक्टर स्वाति भार्गव, सी गॉट द फर्स्ट रैंक ओवर हियर। काफी इंप्रेसिव नंबर उन्होंने स्कोर किए हैं। यदि आप इस लिस्ट में देखेंगे तो डॉक्टर स्वाति भार्गव के नंबर यहां पे दिखाएंगे आपको। सी गॉट 89 मार्क्स, लुक एट इट, डॉक्टर स्वाति भार्गव के नंबर है 89 मार्क्स। आई एम रिजल्ट कैटेगरी से फाइट किया इन्होंने, सी गॉट 89 मार्क्स, दैट्स वेरी इंप्रेसिव मार्क्स, टॉपर है। इसका सेकंड नंबर है विभा सिंह पटेल का, ये अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है, हो सकता है शायद किसी और स्टेट से हो, मतलब जैसे फाइट करी है, दैट्स व्हाई शी इज बिलोंग फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, इनको अनरिजर्व की सीट दी गई है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इनको रखा गया है प्रोविजनल लिस्ट में। प्रोविजनल लिस्ट में क्यों रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। एमबीपीएससी को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से रीजन उन्हें देना चाहिए था कि प्रावधिक होने की वजह क्या है। यदि कोई सेकंड रैंक स्कोर कर रहा है तो प्रोविजनल लिस्ट में तो उसका नाम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यदि हम बात करें, बिकॉज इनके भी काफी इंप्रेसिव मार्क्स हैं। तो उस कंडीशन में एमबीपीएससी को क्लेरिफाई करना चाहिए कि प्रोविजनल लिस्ट में क्यों रखा है। नाउ आगे चलते हैं, यहां पे लिस्ट में आप देखेंगे कुछ चीजें हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली ये बात है कि अनरिजर्व देख रहे हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही अनरिजर्व की सीटें दी गई है। जैसे यहां पर एसटी कैटेगरी का नाम आता है उसके बाद में उन्हें एसटी की सीटें दी गई है, मतलब जो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसी कैटेगरी की सीटें उन्हें अलॉट की गई है। इसमें एक भी नाम ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है जो एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करता हो और उसे अनरिजर्व की सीट दी गई हो। दैट्स द बिग क्वेश्चन फॉर एमबीपीएससी। एमबीपीएससी के अथॉरिटी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एससी एसटी ओबीसी का एक भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाया है, यह अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। नाउ यदि मार्क्स की लिस्ट में आप देखेंगे तो मार्क्स की लिस्ट में भी चीजें हैरान करने वाली बात है। आमतौर पर हालांकि इंटरव्यूज में अक्सर सुना गया है कैटेगरी के लोगों को नंबर कम मिलते हैं, लेकिन सभी लोगों को बहुत कम नंबर मिले, ये चीज हैरान करने वाली बात है, डाइजेस्टेबल चीज नहीं है। यहां पे आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के जो नंबर हैं वो काफी इंप्रेसिव नंबर मिले हैं। 100 में जो क्या बताना चाहिए, जो गायनेकोलॉजिस्ट है इसमें सीधे इंटरव्यूज हुए थे। तो यहां पर क्या है कि जहां पर रिटर्न होता है वहां पर इंटरव्यू कोई कट ऑफ नहीं होता, लेकिन चूंकि यहां पर सीधे इंटरव्यू था, डायरेक्ट इंटरव्यू था, इसलिए यहां पर कट ऑफ था। 41% स्कोर करना था अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को, 31% स्कोर करना था एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को 31% स्कोर करना था, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को 41% स्कोर करना था। तो यहां पर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को अच्छे नंबर मिले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, मिलना चाहिए। यदि कोई परफॉर्म कर रहा है उसको नंबर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे जहां जहां अनरिजर्व लिखा है दे हैव गॉट वेरी इंप्रेसिव मार्क्स। जैसे ही लिस्ट अनरिजर्व से शिफ्ट होकर ओबीसी में आती है नंबर हो गए हैं 38, और ये जो लिस्ट है बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस किसी भी एससी एसटी ओबीसी को
60 से ऊपर नंबर मिला हो, 60 से ऊपर तो किसी को नंबर ही नहीं मिले शायद, कुछ को 50 के रेंज में नंबर मिले हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिससे 60 से ऊपर नंबर स्कोर किए हों। यहां पर ये बहुत हैरान करने वाली बात है, आखिर इतने नंबर क्यों। यहां पर एमबीपीएससी का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है ट्रांसपेरेंसी में। तो यहां पर देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि इस समय वक्त आ गया है, क्योंकि देखिए इंटरव्यूज में सभी एससी एसटी ओबीसी के नंबर कम हो, यह चीज हैरान करने वाली बात है कि क्या स्टेट में कोई भी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 70 या 70 प्लस मार्क्स स्कोर करता हो। क्या अनदर कैटेगरी में सारे कैंडिडेट्स इतने होशियार थे कि सबके 70 प्लस मार्क्स हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। एमपीपीएससी को अपने आप से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज दैट मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है यहां पर ट्रांसपेरेंसी लाने का। हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, यूट्यूब में लाइव होती हैं, हर कोई देख सकता है उसको, तो क्यों ना एक ऐसा नया सिस्टम लाया जाए जिसमें एमपीपीएससी भी जब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करे तो वहां पर वो इंटरव्यूज पब्लिक होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं इंटरव्यू के बेसिस पे हम किसी को वहां पर मामला की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाए, वहां पर कैवियाट आप दायर कर दो, जब फाइनल एक रिजल्ट आना हो तभी जाके उसमें स्टे लगे, दिस फाइन। लेकिन एटलीस्ट दुनिया को भी तो पता चले कि सामने वाला जो है किस तरह से मार्क्स अवार्ड करता है, सामने में कोई पता चले कि आखिर यहां पर अच्छे नंबर क्यों मिलते हैं, यहां पे खराब नंबर क्यों मिलते हैं। दिस इज व्हाट पीपल नीड टू नो। एटलीस्ट हम भी जाने कि सामने वाले में कितनी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण उसके नंबर बहुत कम हो जाते हैं। अचानक से आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के जब कैंडिडेट्स हैं तो वहां पर नंबर 70 प्लस मार्क्स अवार्ड किए गए हैं, और जैसे ही कैटेगरी का नाम आया कैटेगरी में नंबर की संख्या बहुत कम हो गई। रुक आइए, यहां पे नंबर 79, 77, 80, 78 चल रहे हैं, और जैसे इस लिस्ट में ओबीसी कैंडिडेट का नाम आया ये नंबर की संख्या बहुत कम हो गई। और यहां पर एक नहीं, लगातार आप देखेंगे एससी एसटी ओबीसी के नंबर बहुत कम है, दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स राइट नाउ। दूसरा क्वेश्चन यहां पर एक और भी क्रिएट होता है कि अनरिजर्व की सारी सीटें अनरिजर्व को ही दिया गया, तो क्या यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी का प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन रख दिया गया? तो ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्केट होता है। एमपीपीएससी को ये चीजें सेल्फ एवेल्युएट करने की जरूरत है और अपने प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत जरूरत है। आमतौर पर ऐसे मामले में बहुत कम डिस्कस करता हूं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये दुखद करने वाला बात है। आने वाले कल में गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा बहुत सारे मेडिकल स्पेशलिस्ट के और भी इंटरव्यूज होने वाले हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक के होंगे, पीडियाट्रिक्स के होंगे, ढेरों सारे स्पेशलिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज होने वाले हैं। तो वहां पर एमबीपीएससी को चाहिए कि इंटरव्यूज में इस तरह से ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरव्यू को प्रॉपर तरीके से पब्लिक किया जाए। एवनली हाई कोर्ट में पेटिशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से कि इंटरव्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, इससे एटलीस्ट पीपल शुड नो कि किस तरह से क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं, उसका रिप्लाई सामने वाला कैसे दे रहा है। तो एटलीस्ट हम भी असेस कर सकें कि आप नंबर कैसे दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में इंटरव्यूज होते हैं, वो सारे कोचिंग में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंटरव्यू को पब्लिक कर दिया जाता है, एक कैंडिडेट का कैसा परफॉर्मेंस है वो सारे लोग देख सकते हैं। तो एटलीस्ट एमपीपीएससी को भी चाहिए कि उनके सारे इंटरव्यूज जो है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लाने का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। दैट इज द बिग क्वेश्चन राइट नाउ फॉर एमपीपीएससी। मैं चाहूंगा कि एमपीपीएससी यहां पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन जारी करें कि आखिर इसमें क्या मामला है, क्या वापस से आपने रोस्टर प्रणाली लागू किया है, क्या आखिर ऐसा मामला है कि यहां पर अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को सिर्फ अनरिजर्व की सीटें मिली हैं, एससी एसटी ओबीसी का एक भी कैंडिडेट अनरिजर्व की सीट पर फाइट नहीं किया, इसका रीजन क्या है? वी नीड अ रीजन। डिस्कशन को इस नोट के साथ वाइंड अप करते हैं कि यहां पर एमबीपीएससी एक क्लेरिफिकेशन देगा, मुलाकात करते हैं से आप लोगों से फिर। लेकिन हमारा लर्न विद मेडिकल स्पेशलिस्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे अपलोड की जाएगी, नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी। लेकिन यस, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, आपके ओपिनियन क्या है इस पे नीचे कमेंट करें। देखिए आई वॉन्ट टू से दिस वन थिंग, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। इस देश में क्या हो रहा है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और आपको यदि लगता है कि चीज गलत है तो उसके लिए बोलना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप मूक दर्शक बन के रहेंगे,
तो आई डाउट कि आने वाले कल में कोई बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द सोसाइटीज थिंकिंग, तो यहां पर आपको जो सही लगता है वो बोलना पड़ेगा। सामने वाला हो सकता है आपको क्रिटिसाइज करे, मे बी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल कम ओवर देयर एंड दे विल क्रिटिसाइज मी, दैट्स द पॉसिबिलिटी। लेकिन जो पिक्चर है वो आपके सामने है, और यहां पर एमपीपीएससी को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट उस तरह से बरकरार रहे। डिस्कशन गेज वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मी फॉरवर्ड एंड टेक केयर, एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर अदर मेडिकल स्पेशलिस्ट जो बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू होने वाले हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि आप बेहतर मार्क्स लाएं। बाकी जो फर्दर इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके बारे में यदि कोई अपडेट होता है तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।